इस श्लोक का जो अंतिम शब्द है किम करोम्यहम, तो अगर इसी को लें तो इसमें हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। किम करोमि अहम, ये तीन शब्द हैं और तीन शब्द से मिलकर के एक शब्द बनता है किंकर। आई नन्द तनस किंकरम, कि मैं किंकर हूँ। तो किंकर का मतलब क्या है कि हमें भगवान की शरण लेनी है या सेवा करनी है अपने गुरु की, तो इसमें क्या भाव है, किम करोमि अहम, कि मैं क्या करूँ। तो आज्ञा पा करके, आदेश पा करके हम जब कोई कार्य करते हैं तो वही शरणागति कहलाती है या वही सेवा कहलाती है। तो यहाँ पर किम करोमि अहम ये शब्द आता है। और माधवेंद्रपुरी अंतिम जो है जो श्वास थी उस समय ये श्लोक का पाठ कर रहे थे। हम लोग भी तो बहुत बड़ी बात है अगर नाम ही बोल पाए, किसी प्रकार से अगर नाम बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है अंतिम काल में। लेकिन नाम के साथ कोई अगर रूप का स्मरण करे तो और बड़ी बात है, और नाम के साथ रूप और रूप के साथ गुणों का स्मरण करे तो और बड़ी बात है, और नाम के साथ रूप और गुण और लीला का स्मरण करे तो और बड़ी बात है। तो माधवेंद्रपुरी जो है वो भगवान की लीला में प्रविष्ट थे, नित्य लीला में प्रविष्ट थे और उस जीवन काल में ही लीला में प्रविष्ट थे, और उनके मुख से श्लोक का पाठ हो रहा था। पूरा शरीर तो अब हो गया है बिल्कुल पत्थर की तरह या लकड़ी की तरह, लेकिन मुख से आवाज़ निकल रही है, ये कितनी बड़ी बात होती है। जबकि हमारा जो है वाणी बंद हो जाती है, शरीर काम कर रहा है, वाणी बंद हो जाती है, लेकिन माधवेंद्रपुरी का जो है इतना जो है उच्च स्थिति है, दिव्य स्थिति है, कि शरीर उनका जो है बिल्कुल मतलब हो गया है, बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, लेकिन फिर भी उनकी जो वाणी है सक्रिय है। इस श्लोक का पाठ करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्ण।